जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुंभ राशि का राशिफल बताने जा रहे हैं कि 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही संतान प्राप्ति के योग कब बन रहे हैं और क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों ये जो हम आपको राशिफल बताने जा रहे हैं चंद्र की राशि पर आधारित है। दोस्तों कुंभ राशि के देखिए हजारों लाखों लोग होते हैं, सभी के मन में अलग अलग प्रश्न होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको थोड़ी थोड़ी सभी मतलब चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, शिक्षा के क्षेत्र में है, यानी सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों 2023 में देखिए बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये ग्रह आपको क्या फल देने वाले हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों 2023 कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2022 से 2023 तीन गुना अच्छा रहने वाला है, यानी जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता के बहुत अच्छे योग बनेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वो भी लाभ स्थान में, आपको बहुत अच्छे नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। कुंभ राशि के जो जातक यानी पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या स्टूडेंट हैं, जनवरी फरवरी मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें सफलता के बहुत अच्छे योग बने हैं। कुंभ राशि के जातकों को मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में कोई अवार्ड, कोई मतलब ट्रॉफी वगैरह मिल सकती है। अगर आपके बच्चे हैं बड़े बड़े तो उनको पढ़ाई के क्षेत्र में कोई लाभ मिल सकता है। साथ ही लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए जो नौकरी में कार्य कर रहे हैं उसमें प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। 2023 में देखिए शुरुआती महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, साथ ही काफी अच्छा संतान सुख का भी योग बना हुआ है। उसके बाद 21 अप्रैल के बाद संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आपको बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। और इस राशि के जो जातक हैं जो विवाह के योग्य हैं तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके मतलब विदेश जाने के योग बने, ट्रैवल के योग बने, कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है। साथ ही कुंभ राशि के जातक कोई वाहन मतलब खरीद सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी मतलब क्रय विक्रय कर सकते हैं, कहीं पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बने, प्रॉपर्टी खरीदने के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कुंभ राशि वालों को देखिए नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा मतलब धन लाभ का योग बना हुआ, आर्थिक क्षेत्र आपका काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही थोड़ा सा आपको अपने मतलब वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि देखिए जब राहु का राशि परिवर्तन होने होगा तो आपको थोड़ा सा सावधानी अवश्य ही रखनी होगी। किसी भी लेन देन को कर रहे हैं तो सोच विचार कर अवश्य करें और अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, यानी अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि देखिए भाग्य की थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही देखिए कुंभ राशि वालों पर शनि की जो 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, मंगल के कारण देखिए थोड़ी सी मतलब रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। मंगल और राहु के कारण भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तो कोई भी कार्य कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो सोच विचार कर अवश्य करें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए 2023 काफी अच्छा रहने वाला है, संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए, विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही जो नौकरी के क्षेत्र में है उनको या जिन के पास देखिए नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, यानी आपकी नौकरी में प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और संतान सुख के बहुत ही प्रबल योग हैं। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो 21 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही प्रबल योग बना रहा है। अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें और महीने जो साल का शुरुआती महीने हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। साथ ही कुंभ राशि वालों को देखिए उपाय भी अवश्य करने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 2023 में आपको मतलब अच्छा योग बना हुआ है तो आपको सभी लाभ प्राप्त होगा, आपको उसके साथ देखिए मेहनत भी अवश्य करनी पड़ेगी तभी आपको ये लाभ देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वालों को देखिए क्या उपाय करने चाहिए, शनि के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों ये हमने कुंभ राशि का राशिफल बताया है 2023 कैसा रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी